अज़ुबिल्लाहिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुलाब्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। प्यारे साथियों, आपको मालूम है कि हम माई एस क्यू एल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एस क्यू एल के अंदर आज जो है हम प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में पढ़ेंगे। पीछे पाँचवें के छठे ट्यूटोरियल के अंदर हमने कंस्ट्रेंट पढ़े थे कुछ चार, नॉट नल था एक, और उसके बाद यूनिक, डिफ़ॉल्ट, चेक, तो प्राइमरी की और फॉरेन की रह गया था। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की ऑलवेज हैज़ यूनिक, प्राइमरी की जब भी हम लगाते हैं तो ये यूनिक फील्ड के ऊपर लगाई जाती है और ये यूनिक होती है। ए प्राइमरी की कैन नॉट हैव नल वैल्यू, इसके अंदर कोई भी खाली वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। टेबल कैन कंटेन ओनली वन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट यानी एक टेबल के अंदर आप एक ही प्राइमरी की लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और इसके अंदर हम आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगाएंगे तो ये हमारी आईडी 1 2 3 यानी ऐसी फील्ड के ऊपर प्राइमरी की लगाई जाती है जो रिपीट ना हो, जिसके अंदर वैल्यू रिपीट ना हो और वो इंक्रीमेंट 1 2 3 इस तरह चलती रहे और जितने दूर तक जाना चाहिए जा सकती है। इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल का नाम और आईडी, फिर उसके अंदर ये ऑटो इंक्रीमेंट यानी जो हमारी आईडी होगी इसको हम इंटीजर नॉट नल लिखेंगे और ऑटो इंक्रीमेंट लिखेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि 1 के अंदर एक डालो, 2 के अंदर एक डालो, 3 के अंदर एक डालो, 4, तो इंक्रीमेंट जब भी यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक वैल्यू डालते जाएंगे तो वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, 1 करोड़ 1 अरब यहाँ तक जा सकती है। नेम के अंदर वायर चार 50 करेक्टर, नॉट नल, एज, इस तरह ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लास्ट में हम प्राइमरी की ऐड करेंगे कि हमने आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगाई है, ठीक हो गया। उसके बाद इसको हम अल्टर टेबल के नाम से भी अल्टर टेबल, और टेबल का नाम अल्टर कमांड लिख सकते हैं टेबल, और फिर ऐड प्राइमरी की आईडी, ये भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की इज़ ए की यूज टू लिंक टू टेबल टुगेदर, ए फॉरेन की इन वन टेबल यूज टू पॉइंट प्राइमरी की। अच्छा, फॉरेन की मैं आपको समझा दूँ क्या होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल हैं, ठीक है जी, एक टेबल हमने बनाया और दूसरा टेबल हमने ये बनाया, उसके बाद हमने इसको भी प्राइमरी की लगा दी, इसको भी प्राइमरी की लगा दी, तो इसके अंदर फॉरेन की का मतलब ये होता है कि हम वैसे ये चाहते हैं कि जो हमारा दूसरा टेबल है उसके अंदर 1 2 3 मीरपुर कोटली बाग लिखा हुआ है, और हम ये चाहते हैं यहाँ पे बजाय मीरपुर कोटली बाग आने के 1 2 3 आए, तो उसके लिए हम ये जो CID है इसको इस टेबल के अंदर ऐड कर देंगे और उसके फील्ड, एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर देंगे, और उसके अंदर जब भी हमने ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर सिटी ऐड करनी है तो सिटी के अंदर हमारे पास उसकी आईडी आएगी 1 2 3, ना कि उसका नाम आएगा मीरपुर कोटली बाग। इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसको भी लिखने का तरीका ये है जो ऊपर हमने लिखा था, तो इसके अंदर प्राइमरी की आईडी के ऊपर फिर फॉरेन की सिटी के ऊपर हमने लगाई और रेफरेंस सिटी CID, ठीक है। तो ये इस तरह हम कर सकते हैं, फॉरेन की लगा सकते हैं और जिससे हमें, और इसके अंदर भी अल्टर कमांड के साथ टेबल में हम फॉरेन की वगैरह लगा सकते हैं। तो अभी चलते हैं, अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं, वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे जैम को हम ओपन कर लेंगे, जैम को ओपन करने के बाद स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर ये स्टार्ट कर दिया हमने, ये स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, मिनिमाइज़ करने के बाद हम वर्क बेंच को ओपन करेंगे, वर्क बेंच को ओपन करने के बाद इसके अंदर हम अपना शुरू करते हैं, टेबल 2 क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फिर हम जो है वो डाटा एंटर कर लेंगे, और उसको बाद फिर उसके अंदर आपको बताएंगे कि फॉरेन की और प्राइमरी की कैसे लगाई जाती है। तो ये हमारे पास वर्क बेंच ओपन हो गया, मैं इधर कनेक्शन पे मैंने क्लिक किया, कनेक्शन में क्लिक करने के बाद हमारे पास ये टेबल ओपन हो गया। जो ही हो जाता है ओपन, इसकी कमांड बिन विंडो, उसके अंदर हम अपना शुरू करते हैं कमांड। यहाँ पे हम करेंगे जी पहले CREAT क्रिएट TABLE टेबल, टेबल का नाम क्या है जी? CITY सिटी, सिटी नाम का एक टेबल हमने क्रिएट करना है, और उसके अंदर हमारे पास होगा जी फील्ड CID होगी जी, इंटीजर और नॉट नल,
नॉर्डनल ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो इंक्रीमेंट होगी जी, कम हो गया जी, एक फील्ड डी एस की होगी। उसके बाद सी आई डी इंटीजर नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट आई एन सी आर ई एम ई एन टी इंक्रीमेंट कॉमा। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो नाम है सी आई टी वाई सिटी नेम, सिटी नेम इसका होगा जी वी ए आर सी ए आर वेयर करेक्टर 50 होगा और नॉट नल इसकी होगी जी कंस्टेंट। उसके बाद हमने आगे इसको एप्पल करना पी आर आई एम ए आर वाई प्राइमरी की किस पे लगानी है जी प्राइमरी की, सी आई डी के ऊपर लगानी है जी प्राइमरी की। सिटी नेम वेयर केयर वी आर सी ए आर वी आर सी ए आर वायर कार 50 नॉट नल, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। वेयर करेक्टर अच्छा ठीक है, तो सेमी कॉलन यहाँ पे लगाएंगे और वेयर कर के स्पेलिंग गलत है तो वी ए आर सी एच ए आर वेयर करेक्टर ही होता है और कॉमा और यहाँ पे हमने प्राइमरी की लगा दी जी सी आई डी को और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इसको हमने ये लगा दी। इसी के अंदर हम डाटा भी इंटर कर लेते हैं, इंसर्ट टू कमांड इन एस सी आर टी इंसर्ट आई एन टू इन टू सी आई टी सी टी टेबल का नाम होगा और उसके अंदर सी आई टी वाई सी टी एन एम ई नेम, उसके अंदर हमने कहा जी कि ये वी ए एल यू ई एस वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास आ गया जी एम आई आर पी यू आर मीरपुर और ये हो गया कामा और इसको हमने यहाँ पे लिखा मीरपुर, फिर हमने लिखा ए ओ टी एल आई कोटली, फिर हमने लिखा डी ए जी एच बाग और फिर हमने लिखा पी डब्ल ओ एन सी एच पुंच और फिर हमने लिखा रावला कोट। ठीक है जी, तो ये हमने करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ गया जी हमारे पास सेमी कोलन, ये हमने टेबल क्रिएट किया उसके अंदर ये हमारे पास नाम भी आ गए और इसको हमने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास यहाँ से रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे सिटी नाम का टेबल आ गया। इस सिटी नाम के टेबल को हमने ओपन किया तो ये हमारे पास सिटी नाम का टेबल आ गया जी। ठीक है जी, अब ये तो क्रिएट हो गया टेबल एक और इसके अंदर हमने प्राइमरी की लगाई है सी आई डी के ऊपर और अभी दूसरा टेबल हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर वो टेबल हम क्रिएट करेंगे, इस पर्सनल टेबल को डिलीट करेंगे ड्रॉप टेबल ड्रॉप नो और उसके बाद अभी हम इसके अंदर जो टेबल पर्सनल है इसको दोबारा क्रिएट करेंगे पी एस ओ एन ए एल पर्सनल टेबल क्रिएट किया। इसके अंदर जो होगा वो आई डी होगा आई डी नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगा बल्कि सिर्फ नॉट नल ही होगा, आईडी सिर्फ नॉट नल ही होगी। उसके बाद इसके अंदर आएगा जी नेम, नेम के अंदर हमारे पास क्या होगा जी नेम के अंदर वेयर केयर 50 नॉट नल और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पर पी आर सी एन टी ए जी टी ए जी परसेंटेज
integer, not not, nul null, comma, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी age integer not nul null, comma, उसके बाद आ जाएगा gend gender, जेंडर में वेयर केयर आ जाएगा और ये हो जाएगा जी कंट्रोल सी कंट्रोल वी और वेयर केयर में हम इसके अंदर वन करेक्टर रख लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर आएगा जी सिटी सी आई टी वाई सिटी सिटी के अंदर हमारे पास इंटीजर नॉट नल आ जाएगा ये वाला सिटी के अंदर हम इंटीजर नॉट नल करेंगे और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी प्राइमरी की हमारी लगेगी जी आईडी के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे फॉरेन की लगेगी एफ ओ आर ई आई जी एन फॉरेन के यू आई की एन ब्रैकेट सी आई टी वाई सी टी और आई एफ ई आर ई एन सी ई एस रेफरेंसेस सी आई टी वाई सी टी सी आई टी वाई सी टी और इसके अंदर हम करेंगे जी सी आई डी। ठीक है, सी आई डी की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए और ये हमने लगा दिया यहाँ पर। फॉरेन के स्पेलिंग क्या है, गलत हैं शीत? एफ ओ एफ ओ आर ई आई जी एन फॉरेन, जब फॉरेन की सिटी के अंदर लगा दी हमने रेफरेंसेस के अंदर सिटी सी आई डी और यहाँ पे सेमी कॉमा लगाना था और ये हो गई। ओके भाई, इंसर्ट इनटू क्या होगा जी, इंसर्ट इनटू हम करेंगे जी पर्सनल डेवलप ई आर एस ओ एन ए एल पर्सनल ई आर एस ओ एन ए एन ए एल पर्सनल टेबल के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। फील्ड क्या क्या हैं जी इसके अंदर, फील्ड हैं जी हमारे पास आई डी कामा नेम कामा पी आर सी एन टी ए जी परसेंटेज कामा ए जी एज कामा जी एन डी या जेंडर कामा सी आई टी वाई सी टी और ब्रैकेट क्लोज वैल्यू के अंदर हमने डालना है जी यहाँ पर नंबर वन पे हमारे पास आ जाएगा जी ए एस इन्वर्टेड कोटेशन में डालना है ए एस आसफ और कामा इसकी 51% है कामा 19 एज है कामा और मेल है ये और कामा और वन आईडी पर है ये। एक हमने कर लीजिए वैल्यू इंटर कंट्रोल सी कंट्रोल वी। दूसरे पे हमारे पास आ जाएगा जी एन ए डी डब्ल्यू नदीम 54 418 और यहाँ पे आ जाएगा जी टू पे। उसके बाद आता जी थ्री पे हमारे पास आ जाएगा जी एस ए एन ए सना परसेंटेज है जी इसकी 51 एज है जी इसकी 20 और यहाँ पे ये फीमेल है और यहाँ पे हमारे पास ये है जी थ्री नंबर आईडी पे। उसके बाद हमारे पास आ गया जी नंबर फोर पे हमारे पास कौन है जी, नंबर फोर पे ए एस एच वाई आशा 71 इसको कर देते हैं यहाँ पर 71 और यहाँ पे 21 और यहाँ पे एफ फीमेल और यहाँ पे हमारे पास फोर पे और ये लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे फाइव नंबर पे हम डालेंगे एक करेक्टर
पैटर्न में जे एम नजम, और इसको हम यहाँ पे 65 और यहाँ पे 19 कर देते हैं, और मेल है और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे ये सेमी कोलन लगा देंगे और ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। दूसरा भी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद परसेंटेज इन फील्ड, परसेंटेज पर पी आर पर, ये स्पेलिंग गलत है, एस की बजाय सी लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी एग्जीक्यूट करेंगे। पर्सनल ऑलरेडी एग्जिस्ट, जब पर्सनल आईडी नॉट नल नेम, अरे चलो ठीक है, टेबल ये यहाँ पे बन के आ गया है। थोड़ी मिस्टेक थी, ये टेबल कौन सा है, अच्छा इसमें अभी देखते हैं जी कोई मिस्टेक। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये एग्जीक्यूट हो गया जी टेबल, और उसके बाद इसने बताया कि 5 डुप्लीकेट 01 आसफ कहीं डुप्लीकेट हो रहा है। चलो इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे पर्सनल टेबल आ गया, इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ये पर्सनल टेबल हमारे पास आ गया। अभी देखें यहाँ सिटी के अंदर हमने प्राइमरी की लगाई थी 1 2 3, तो यहाँ पे बजाय इनकी सिटी होने के उस टेबल के अंदर से उसकी आईडी आ रही है। तो ये जो फंक्शन था हमारा आज का प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। बाकी इसके अंदर हम सिटी भी कुछ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके बारे में देखेंगे क्या चीज़ है वो जो हमने करनी है। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक लिए जल्दी दीजिए, अल्लाह ताला आपको मिला।